मेरा मोदी देश चलाएगा भ्रष्टाचारियों को पकड़कर जेल के अंदर घुसाएगा मेरा मोदी देश चलाएगा ले 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 ले। अरे बाप रे बाप रे ये मोदी का गाना बनाने के टाइम पर फोन किसका आ गया हेलो 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 कौन मोदी <laughs> अरे शैतान का नाम लिया नहीं नहीं मेरा मतलब है मोदी जी का नाम लिया मसीहा हाजिर <laughs> सौ साल जिएगा लगता है मोदी जी अरे मोदी जी तुम्हारी ईडी ने केजरीवाल को जेल के अंदर डाल दिया तुमने देखा क्या कल तो मैं देख रहा था अच्छा मोदी चाचा कल तो देख रहा था अरे मोदी जी तू क्या देख रहा था क्या नहीं देख रहा था सब जनता को पता है ये ईडी तू चलवा रहा है कभी सिसोदिया केजरीवाल की पार्टी का आदमी था ना कभी उसके ऊपर कभी उसके ऊपर कभी, कभी इसके ऊपर सबके बारे में मैं जानता हूं। और केजरीवाल को जेल में डाल दिया तो तू देख रहा था कहा मुझको बताना बंदर तू कुछ नहीं बोलेगा मोदी बताएगा कहाँ देख रहा था मोदी जल्दी बता मोदी टीवी पर देख रहा था पूरी जनता मोबाइल में देख रही है और मोदी चाचा टीवी में देख रहा है लगता है मोदी के घर में पच्चीस इंच का नहीं दो सौ पचास इंच का एलईडी टीवी लगा है बाप रे बाप अरे मोदी जी तुमने जो केजरीवाल को जेल के अंदर डाला है राहुल गांधी बोल रहा है ये बिल्कुल गलत काम किया तुमने वो तो गरीब महिलाओं को हजार हजार रुपया दे रहा था फ्री यात्रा दे रहा था अच्छे स्कूल बना रहा था और क्या कर रहा था हाँ वो वो बिजली बिल और तू उसको जेल में डाल रहा था ये अच्छी बात नहीं है मोदी जी ये भड़काने की कोशिश करते हैं? अच्छा मतलब ये राहुल गांधी जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ओए -ओए 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 -ओए, मोदी जी अब मैं समझ रहा हूँ मोदी जी अब केजरीवाल जो जेल में गया है उसका क्या हाल चाल चेहरे पर से चमक चली गई। अरे मोदी चाचा तेरे को ज्यादा दिमाग चल रहा है क्या जब कोई जेल में जाता है तो अच्छे अच्छे लोगों की चेहरे की चमक चली जाती है तू नहीं, नहीं, मेरा मतलब है मोदी जी केजरीवाल जेल में चला गया अब प्रधानमंत्री देश का कौन बनेगा 2024 में मेरे को तो बहुत दिल करने लगा मेरा डरने लगा बताओ मोदी जी तुम कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024 में मोदी <laughs> बैंगन बैंगन बनेगा प्रधान मेरी पूरी बिल्लू गैंग वोट नहीं देगी ए बंदर तू भी मोदी जी, जी को वोट नहीं देगा ना हमारी हालत देखो मोदी जी, जी तेरी सरकार में कच्चे कच्चे में आ गए कच्चे कच्चे में बॉडी उड़ गई ऊपर ऊपर की नहीं नहीं मेरा मतलब है का कुर्ता फट गया गर्मी में नहीं घिस गया घिस गया पहले पहले दस साल हो गए ये चड्डी निकल जाएगी उस देर में आदिवासी बन जाऊंगा और जंगलों में जाऊंगा पर मोदी जी, जी को वोट नहीं दूंगा समझे कुछ मनी 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 बैंगन मनी मनी का झासा अब नहीं चलेगा मोदी जी 2024 में तुमने बहुत बड़ा झासा दिया था पंद्रह पंद्रह लाख सभी गरीबों के खाते में डालूगा आज ही आज बैंगन आया पंद्रह पंद्रह लाख अरे पंद्रह पैसा नहीं आया जनधन खाते में खुलवाया है जब से बैंक में जाता हूँ तो बैंक वाला बोलता है क्या करने आयो भाई साहब मैं पूछता हूँ मोदी जी ने जो खाता खुलवाया उसमें पंद्रह लाख आया वो बोलता है पंद्रह पैसा नहीं आया बदबू उठाते हो हमारी हालत देख कर मोदी जी और मेरे खाते में आया अगर मोदी जी तेरी सरकार में पंद्रह लाख आएगा तो ही वोट दूंगा वरना मैं तेरे को वोट नहीं दूंगा करो मेरा ये दो तीन लाख रूपया तुम्हारे खाते में डाल दो अरे मोदी जी पंद्रह लाख दो तीन लाख रुपए में मेरी जवान बंद करोगे क्या तुम देखो मोदी जी दो लाख रुपए में तो कुछ नहीं आएगा पंद्रह लाख रुपए अगर मेरे खाते में आएगा तो दो लाख की बुलेट करवाऊंगा बुलेट पटाका वाली बुडुम बुडुम बड़ा बड़ा बुडुम बुडुम ऐसे पटाका छुड़ाऊंगा और और दो लाख तो गया बाइक में अब तेल मेरा चाचा डलवाएगा उसमें अरे कम से कम पूरे पंद्रह लाख देगा तभी कुछ सोचूंगा वोट देने के बारे में और अगर उसके अलावा और पंद्रह लाख देगा तो तेरी वोट पक्की है ए बंदर तू भी वोट दिए और पूरी गैंग को बोल दूंगा मोदी जी को वोट दो पर मेरे को तीस लाख रुपया चाहिए पंद्रह लाख मेरा जो तुमने बोला था वो और पंद्रह लाख ब्याज अगर देना है तो बात करो वरना फोन काट दो और बहुत पार्टियों के फोन आ रहे हैं मेरे को चुनाव के टाइम पर हम लोगों के भाव बहुत बढ़ रहे हैं नहीं नहीं लोग हमारे भाव बहुत बढ़ा रहे हैं समझे कुछ चलो फोन काटो छुट्टे पैसे नहीं है बैंगन अरे केजरीवाल जी अरे नहीं यार केजरीवाल याद आ रहा है तेरी याद आ रही रही है। है। केजरीवाल जी मेरी जान जा रही है, अरे मोदी जी तेरे को ज्यादा सुनाई दे रहा है क्या अरे 2024 में गरीबों की नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा अरे कम से कम 10 साल नहीं सुना 2024 में तो सुन ले प्रधानमंत्री बन जाएगा और बोल रहा है कि छुट्टा है अबे तीस पैसा नहीं मांग रहा हूँ मोदी जी तीस लाख रुपया बोल रहा हूँ तीस लाख पंद्रह लाख वो जो दो हजार चौदह में भाषण दिया था उसी पैसे का चक्रवर्ती ब्याज जोड़ जोड़ कर मेरा तीस लाख हो गया जब कांग्रेस पार्टी का पंद्रह बीस लाख रुपया का ब्याज जोड़ जोड़ कर, कर करोड़ों में जा सकता है तो मेरे पंद्रह लाख का ब्याज डबल नहीं हो सकता है क्या मैं भी दिमाग लगाता हूँ बैठे बैठे समझे कुछ चलो मेरा तीस लाख रुपया दो बोट लो वरना फोन काट दो राहुल गांधी का भी फोन आ रहा है ऊपर आ रहा है ऊपर जो ज्यादा ऊपर देगा उसी को वोट दूंगा दादागिरी मत कर अरे बाप रे बाप मोदी जी तो गुस्सा हो गए कहीं मेरे ऊपर ईडी वीडी ना छोड़ दे वरना मेरे पास ये कच्चा भी नहीं बचेगा अरे मेरे को तू अपने बाल बाल दे 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 लगते कच्चा सब निकल मोदी जी मैं दादागिरी नहीं कर रहा हूँ तो चाचागिरी कर रहा हूँ चाचागिरी मोदी जी तुम हमारे चाचा हो मैं तेरा भतीजा जाऊ अब अपने चाचा से पैसा मांग रहा हूँ कोई बात नहीं चाचा अगर आप पैसा नहीं दे रहे हो तो मत दो मैं नाराज नहीं होऊंगा पर मुझे एक बात बता दो कि मैं 2024 में वोट किसको दूं मोदी चाचा जिसको भी बोलेगा मैं उसी को वोट दूंगा क्योंकि मोदी मुमकिन है हर हर मोदी घर घर मोदी सबका भला करेगा मोदी बताओ मोदी जी मुझे किसको वोट देनी है मेरे को नशा हो गया था इसलिए उल्टा पुल्टा बोल रहा था अब मेरा नशा उतर गया <laughs> नशा उतर गया मोदी जी बताओ किसको वोट दू दो चौबीस में मोदी मोदी ठीक है ठीक है मोदी जी मैं आपको ही वोट दूंगा पर मोदी जी मेरा जन जन खाता नोट कर लो कुछ दान दक्षिणा इस गरीब को देना हो तो दे देना लो फोन रखता हूँ ट्रिंग ट्रिंग अब किसका फोन आ गया लगता है राहुल गांधी का आ गया अरे बाप रे बाप किस किस का फोन उठाऊ चुनाव में बहुत फोन आता है किसी का नहीं उठाऊंगा बजरे तब तो फोन को आए फोन करने वाले <laughs>